ठीक है। तो टॉपिक है ब्रेस्ट। अब ये जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है देखते हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली कैसा ब्रेस्ट का अपियरेंस होता है, ठीक है। ओके फाइन। टॉपिक क्या है? ब्रेस्ट। अब बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, स्पेशली बहुत सारी फीमेल्स, उनको लाइफ टाइम में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन या कुछ ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें सर्जरी का काफी रोल है, नॉट फॉर सर्जरी ओनली, लेकिन ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये ब्रेस्ट होता क्या है, किसी को पता है इसका काम क्या होता है? फीमेल में ब्रेस्ट का काम क्या होता है? मिल्क सिक्रीट करना, अगर मैं सही हूं तो, है ना। तो कोई भी चीज जब कुछ सिक्रीट करती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? ग्लैंड, है ना। तो ये क्या है? ब्रेस्ट इज बेसिकली अ ग्लैंड, है ना। और कौन सी है? दिस इज मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ओके अच्छा, अब क्या होता है, जब भी ब्रेस्ट डेवलप होते हैं तो नॉर्मली जो डेवलपमेंट होता है, हम जब बेसिकली इंट्रा यूटराइन लाइफ जो होती है, मतलब मदर के पेट के अंदर, ठीक है, तो मदर के पेट के अंदर 5th से 6th वीक में ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट शुरू होना हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो 5th से 6th वीक में, ठीक है, ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ, मतलब जब बच्चा मदर के पेट के अंदर 5वें से 6ठे महीने वीक्स में इनका डेवलपमेंटल शुरू हो जाता है, ठीक है। एक और चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, स्किन क्या होती है? एंडोडर्म या एक्टोडर्मल? एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। उसी तरह ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं, ब्रेस्ट टिश्यूज वो क्या होते हैं? एक्टोडर्मल होते हैं, एक्टोडर्मल, ठीक है। ओरिजिन फाइन। चलो इससे ज्यादा बोर नहीं करेंगे यार आपको। मेनली चीज क्या होती है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं, 5th से 6 वीक्स ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। ओके अब देखो ये डायग्राम ढंग से देख पा रहे हो, सेकेंड वाला डायग्राम। ओके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ब्रेस्ट बाहर से कुछ अजीब सा दिख रहा है, लेकिन अगर अंदर से आप देखो तो इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, है ना। तो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल सा दिख रहा है, उभरा हुआ पार्ट है, लेकिन अंदर से क्या क्या दिख रहा है हमें? बहुत सारी चीज दिख रही है, ठीक है। तो देखो ब्रेस्ट में एक पार्ट अगर हम देखें तो एक ये होगा, ये क्या है? दिस इज स्किन, ये क्या है? स्किन, जैसे नॉर्मल बॉडी में स्किन होती है वैसे ही ये स्किन है, ठीक है। अब एक ये सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? निप्पल, ओके। फिर निप्पल के आसपास का रीजन, ठीक है, निप्पल के आसपास का रीजन, दिस वन दिस वन, ठीक है। नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है, डार्क होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एरियोला,
एरियोला, ठीक है, या फिर एरियोलर रीजन, ठीक। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर मेलानिन डिपॉजिट होता है। और जहां पर भी मेलानिन डिपॉजिट होता है वहां पर वो जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? यूजली डार्कर होता है, ठीक है। तो स्किन हो गई नॉर्मल, निपल हो गया, निपल के आसपास का एरिया हो गया एरियोला। अब क्या होता है, ये जो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली अगर सील करने में ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है, फैटी टिश्यूज। तो ये क्या हो गया, जो भी येलो येलो है वो हो गया फैटी टिश्यू, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो ब्रेस्ट है वो क्या करता है, कुछ सिक्रीट करता है, ठीक है। सबको पता है ब्रेस्ट का फंक्शन क्या है, मिल्क सिक्रीट करता है ना। तो जब ये ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट करता है तो कुछ डक्ट्स होंगी, है ना, कुछ डक्ट्स होंगी और कुछ ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। तो ये जो दिख रही है ये क्या है, ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और ये छोटे 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 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में निकल करके एक कॉमन डक्ट बना रही हैं, तो ये माइनर डक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्या, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, और ये जो डक्ट हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, ओके। अब देखो ये जो पूरा ब्रेस्ट टिश्यू है, अगर आपने ब्रेस्ट टिश्यू को सपोज इसको हटा दिया, यहाँ से इस पोर्शन को हटा दिया, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, एक फ्लैट चेस्ट दिखेगा जैसा मेल में होता है ना। तो मेल में फ्लैट चेस्ट होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, वो क्या है, दैट इज मसल्स, ठीक है। वो क्या है, मसल्स। तो जो यहाँ पर चेस्ट में मसल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेक्टोरलिस, पेक्टोरलिस। और ये दो तरह की होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। हमारे पास ये क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, जो ऊपर होती है, ठीक है, ओके। तो ब्रेस्ट में अगर हम फिर से देखें, मेनली हमें क्या दिखेगा, एक तो निप्पल दिखेगा, निप्पल के आसपास एरियोला दिखेगा, और एरियोला के बाद हमें क्या दिखेगा, स्किन दिखेगी बाहर से। अगर आप थोड़ा सा उसको क्रॉस सेक्शन करो, कट करो और अंदर देखो तो फैट्स दिखेगा या फैटी टिश्यू दिखेगा, ठीक है। फिर हमें लैक्टिफेरस ग्लैंड्स दिखेंगी, ओके। फिर हमें डक्ट दिखेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये पहले क्या होते हैं, पहले बड़े लोब्स होते हैं, ठीक है। जो ग्लैंड्स हैं, जो बड़े बड़े लोब्स होंगे उसको क्या कहेंगे, लोब्स। और जो छोटे 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 होंगे लोब्स उसको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, लोब्यूल्स, ठीक है, ओके। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप थर्ड डायग्राम देखोगे बेटा, तो थर्ड डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में दिस इज नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। दिस इज निप्पल, सेंटर वाला पोर्शन, और इसके आसपास का रीजन जो हो गया वो क्या हो गया, एरियोला। अब हमने क्या बताया था कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो किस पे सपोर्टेड रहते हैं, कौन सी मसल पे, ये हो गई मसल। और इस मसल का नाम क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है।
ओके, तो जैसे इस तरफ है वैसे ही इस तरफ भी रहेगी। ओके फाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कट सेक्शन। अब देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये ब्रेस्ट, क्यों इम्पोर्टेंट है सर्जरी में, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं। ठीक है, फीमेल्स को ब्रेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्या हो सकता है, यहाँ पर पेशेंट को दर्द हो सकता है। ठीक है, ओके। अब सपोज मान लो आपके पास पेशेंट आता है, तो वो क्या कंप्लेंट कर सकता है पेशेंट? एक तो वो बोल सकता है कि मुझे ब्रेस्ट में कुछ हार्ड सा फील हो रहा है, हार्ड सा फील हो रहा है। ठीक है, एक ही पेशेंट कंप्लेन करते हैं। ठीक है, दूसरा पेशेंट क्या कंप्लेन करते हैं? ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ब्रेस्ट में क्या हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। तीसरी चीज, नॉर्मली ब्रेस्ट की जो स्किन होती है, जो जो बॉडी की स्किन होती है वैसी होती है, लेकिन कई बार ब्रेस्ट में क्या हो जाता है, रेडनेस या फिर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो पेशेंट बोल सकता है या बोलता है यूजली, जो हम लोग देखते हैं? ठीक है, एक ब्रेस्ट नॉर्मल होगा, दूसरा ब्रेस्ट एबनॉर्मल होता है, मतलब एबनॉर्मल ब्रेस्ट अपीयरेंस। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, तो ये मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट से सिक्रीशंस होने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल फीमेल है, अनमैरिड है, तब भी मिल्क सिक्रीट हो रहा है। ओके, या फिर पोस्ट पेशेंट की डिलीवरी हुई। ठीक है, मतलब पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, सिजेरियन सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो नॉर्मली क्या होता है, सिजेरियन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद यहाँ पर मिल्क सिक्रीट होता है, लेकिन कई फीमेल ऐसी आती हैं जिसमें मिल्क सिक्रीशन नहीं होता। यहां पर लिख रहा हूं नो मिल्क सिक्रेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं। अब इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, अब इन सबको अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको तभी समझ में आएगा जब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे ढंग से, है ना? क्या सपोर्ट होते हैं, किस तरह का होता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहां तक बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक आई होप यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, कभी कभी अब हम इसकी सर्जिकल एनाटॉमी पर आते हैं सीधे। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं सर्जिकल एनाटॉमी की, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि भाई ये सारी कंप्लेंट लेकर के पेशेंट आएगा, लेकिन हमें ढंग से पता होना चाहिए ब्रेस्ट के बारे में। ओके, तो सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ते हैं पहले। ठीक तो देखो, नॉर्मली जो ब्रेस्ट होता है
इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया था, मॉडिफाइड स्वेटलैंड होती है, ठीक है। लोकेशन इसका क्या होता है, ये जो रीजन होता है, ये जो पूरा रीजन होता है, ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल रीजन, क्योंकि अंदर क्या होती है, पेक्टोरलिस मसल होती है, तो लोकेटेड इन पेक्टोरल रीजन, ठीक है, पेक्टोरल रीजन पर होता है। अब देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो ये है स्टर्नम, ठीक है, और यहां पर हमने बना दिया ब्रेस्ट, ठीक है। ये हो गया क्या सेंटर वाला निप्पल। अब नॉर्मली जो ब्रेस्ट होता है ऐसा नहीं होता है, एक इसकी क्या होती है, टेल, ठीक है, इस तरह से टेल होती है, ओके। अब अगर मैं बाहर का आउटलाइन एक बार बनाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली एक्सिला है, ठीक है, और यहां पर क्या है, क्लेविकल, ओके। अब ये जो निप्पल होता है, ठीक है, निप्पल को अगर आप ऊपर से इस तरह से देखो, फॉलो करो, तो निप्पल कहाँ लाई करता है, ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, क्लेविकल बोन होती है हमारी बॉडी में, जिसको कहते हैं कॉलर, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, वहां से अगर आप एक लाइन खींचो तो वो निप्पल्स को क्रॉस करके जाएगा, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन पर क्या होता है आपका, ये पास होता है, ठीक है, निप्पल पास होता है, लेकिन ब्रेस्ट का एक्सटेंशन कहाँ तक होता है, हमने क्या बताया था, एक्सिला, तो एक्सिलरी लाइन तक, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन तक। थोड़ा सा हम इस डायग्राम इसको ठीक कर देते हैं, इसका जो एक्सटेंशन है, लेटरल एक्सटेंशन, वो ठीक है, तो एक्सटेंशन इसका कहाँ हो गया, एक्सटेंशन हो गया इसका इस मार्जिन से लगा करके मिड क्लेविक, मिड एक्सिलरी लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन, जो एक्सिला के बीच से आ रही होती है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होती है, एक टेल होती है, ठीक है, एक क्या होती है, टेल, इसीलिए जब इसको रिमूव करते हैं तो हमेशा याद रखो टेल तक रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या भरे होते हैं, लिम्फ नोड्स भरे होते हैं, ठीक है, ओके। और इस टेल को क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, किसी को पता है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ओके, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो इतनी सारी सर्जिकल एनाटॉमी में हमें चीज पता होनी चाहिए कि ये पेक्टोरल रीजन पे ब्रेस्ट लोकेटेड होता है, ठीक है, जो निप्पल्स होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन पे, और ये एक्सटेंड कहाँ तक होते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन तक, ठीक है, पेक्टोरल रीजन पे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट के साथ में टेल होती है, टेल इज बेसिकली क्या, लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, ठीक है,
इस तरह का होता है। अच्छा चलो, हमने ये तो पढ़ लिया। अब हम अगर मैं बात करूं नीचे क्या होती है, यहाँ पर कुछ इस तरह का कुछ होता है क्या, क्या कहते हैं इसको? कुछ बोन्स वगैरह होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिब्स। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि जो निप्पल होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? दीज आर रिब्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में क्या हो गया? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो दिस इज फोर्थ इंटर कोस्टल स्पेस। ठीक है, तो जो निप्पल होगा, ठीक है, वो कौन से स्पेस पे होगा? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं निप्पल की पोजीशन, लोकेशन, वो कहाँ होता है? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है, अब ये सबको पता है कि इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक है, और डार्क एरिया एरियोला होता है, जो कि किसके बना होता है? मेलेनिन का। अब हमने ये तो बता दिया कि भाई आसपास की होती स्किन, ठीक है, तो निप्पल और एरियोला को अगर छोड़ दो, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा? निप्पल एंड एरियोला जो हमने डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा जो ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया स्ट्रोमा। ओके, अब स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा बेसिकली क्या होता है? जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब देखो, जब भी ब्रेस्ट की सपोर्ट की अगर बात आती है, अगर आप इस तरह से इसको एक साइड का व्यू देखो, तो ये हो गया ब्रेस्ट, ठीक है, ये हो गया निप्पल। अब इसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ टाइट सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इसको सपोर्ट कर सके। तो इसका जो सपोर्ट होता है यहाँ पर, लिगामेंटस सपोर्ट होता है, मतलब यहाँ पर लिगामेंट होते हैं। ठीक है, इस एरिया में क्या होते हैं? लिगामेंट। क्या होते हैं? लिगामेंट। ठीक है, और इस लिगामेंट को क्या कहते हैं? लिगामेंट ऑफ ऊपर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है ब्रेस्ट को सपोर्ट देना। सपोर्ट देना। अब देखो, जैसे जैसे ओल्ड एज हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे हम लोगों की एज क्या होती है? ओल्ड होती है। ठीक है, तो ओल्ड एज में ये क्या होते हैं? लिगामेंट वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो वीक होने के कारण
ओल्ड एज में क्या होता है, जो ब्रेस्ट सपोर्ट होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है फाइन। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें डिस्कस करना था, ताकि हम जब इसकी सर्जिकल चीजों के बारे में पढ़ें तो ये सारी चीजें पता। अच्छा अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लेते हैं। हमने बाहर से तो ये देख लिया ठीक है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, अब हम बात करते हैं अंदर की, मतलब माइक्रो एनाटॉमी की, मतलब माइक्रो एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है तो हमने क्या बोला था कि इसमें छोटे 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 बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है सम जो भी सिंगल ग्लैंड होगा, स्मॉल सिंगल ग्लैंड, सिंगल स्मॉल ग्लैंड, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एसाइनस। ठीक है अब एसाइनस होता कैसे है, इस तरह का दिखता है, इस तरह का। ठीक है अब यही एसाइनस क्या होते हैं, खूब सारे एसाइनस मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लोब्यूल्स। लोब्यूल्स तो ये कैसा लोब्यूल कैसा दिखेगा हमें, कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है ये बहुत सारे एसाइनस मिलकर के क्या बना दिया, लोब्यूल्स। ठीक है अब इस तरह के लोब्यूल्स बहुत सारे होंगे। ठीक है ये हो गया। अब क्या होता है, ये जब खूब सारे लोब्यूल्स बन जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लोब्स बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, लोब्स। ठीक है अब ये जो लोब्स होते हैं ये क्या हो गया, जैसे तीन लोब्यूल्स मिलकर के क्या बना दिया, एक लोब। अब ये लोब क्या होंगे, ये बना, ये ओपन होंगे किसमें, डक्ट्स में। ये किसमें ओपन होंगे, डक्ट्स में। ठीक है तो इनको डक्ट को क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट्स और ये किसमें ओपन हो जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे डक्ट्स, इसी तरह यहां पर ये। ओके ये ठीक है इसी तरह यहां पर भी होगा। ठीक है ओके अब ये ओपन हो जाएंगे किसमें, निप्पल में, तो दीज ओपन इनटू निप्पल। तो ये होती है माइक्रो एनाटॉमी कि एसाइनस होता है, एसाइनस होता है ओपन होता है लोब्यूल्स में, लोब्यूल्स ओपन होते हैं लोब्स में, लोब्स लैक्टिफेरस डक्ट्स में, और वो अल्टीमेटली क्या होता है, स्किन में अपीयर हो जाते हैं एज ए निप्पल फॉर्म। ठीक है ओके इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी, हमारी बॉडी में जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कुछ ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है तो बात करते हैं थोड़ी सी ब्लड सप्लाई के बारे में। तो इसमें जो ब्रेस्ट को जो सप्लाई करती है वो क्या सप्लाई करती है, वो सप्लाई करती है थोरेसिक आर्टरी।
ये कहाँ पर है? थोरेक्स में है, तो क्या सप्लाई करेगी? थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, ओके। अब ये बहुत तरह की टाइप की होती है, जो बहुत अंदर जाएगी उसको क्या कहेंगे? इंटरनल, ठीक है। जो बिल्कुल सुपरफिशियल होगी उसको कहेंगे सुपरफिशियल, और जो लैटरल होगी उसको क्या कहेंगे? लैटरल, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है, लेकिन ये है कि भाई इसमें भी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कुछ इंजरी हुई तो ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है, फाइन। ओके, सिर्फ एक और चीज हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है जब भी हम ब्रेस्ट के बारे में बात करते हैं, वो क्या है? लिम्फ नोड्स होते हैं इसमें, लिम्फ नोड्स। तो जब भी ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, एब्सेस बनता है, या दर्द होता है, या नोड्यूल बनता है, तो हम लोगों को क्या करना होता है? ये चेक करना होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, उसको याद करने का तरीका, उसको हम क्या कहते हैं? CIPLAA, ठीक है। सिप्ला, सिप्ला कंपनी है, तो सी स्टैंड फॉर सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, आई स्टैंड फॉर इंटरनल, ठीक है, पी स्टैंड फॉर पोस्टीरियर, एल स्टैंड फॉर लैटरल, ए स्टैंड फॉर एंटीरियर, और जो दूसरा ए है दैट स्टैंड फॉर एपाइकल, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये होते कहाँ पर हैं। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं इसको। सपोज फीमेल है, ओके, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि यहां पर कहीं ब्रेस्ट होगा, ब्रेस्ट बना दिया, निप्पल बना दिया, और ये हमने टेल बना दी, ठीक है। अब इसमें ये लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो देखो लिम्फ नोड्स हम रेड से बना देते हैं ताकि आपको कुछ क्लियर रहे। यहां पर एपाइकल होते हैं, ठीक है, ये क्या हो गए? एपाइकल। फिर इस एरिया में ये होते हैं एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, एंटीरियर, ठीक है। ये पीछे की तरफ, एक्सिला की तरफ, ये क्या होंगे? पोस्टीरियर, ओके। फिर यहां पर मीडियल साइड की तरफ ये होते हैं क्या? इंटरनल मेमोरी, इंटरनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। अब हमें एक्सिला की तरफ आना होता है, ठीक है। तो एक्सिला के जस्ट मीडियल, ये यहां पर ये होते हैं क्या? सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सिला के लेटरल साइड में, तो ये होते हैं लेटरल, ठीक है।
ये हो गए एंटीरियर अपाइकल, इंटरनल, ठीक है, पोस्टीरियर, सेंट्रल और लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। एक और चीज आप लोगों से पूछा जाता है कि जो भी फर्स्ट लिम्फ नोड्स, अगर हम कुछ भी इसमें कोई भी ब्रेस्ट में डिसीज हुई, ठीक है, तो कोई एक लिम्फ नोड जो पैल्पेट होता है, फर्स्ट लिम्फ नोड जो पैल्पेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड्स, ये आपके क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, अब क्योंकि आज मैंने काफी चीजें डिस्कस की हैं तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आ जाते हैं शुरू से फिर से। देखो, ब्रेस्ट क्या है, फीमेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, होता क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। जब हम बच्चे पेट में होते हैं, फीमेल अगर बर्थ है तो 5th to 6th week ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। ये टिश्यू कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। अब ब्रेस्ट में क्या होती है, बाहर से अगर आप देखो तो स्किन होगा, निप्पल होगा और निप्पल के आसपास एक डार्क स्ट्रक्चर होगा जिसको कहते हैं एरियोला, ठीक है। इसके अंदर इसका जो इस निप्पल और एरियोला को छोड़ दो तो बाकी वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, ब्रेस्ट किसी मसल के ऊपर लाई करता है, उस मसल को क्या कहते हैं, पेक्टोरिलिस मसल, ठीक है। ओके फाइन, अब इस ब्रेस्ट में क्या होते हैं, फैट होंगे, खूब सारी ग्लैंड्स होंगी, वो जो ग्लैंड्स हैं वो डक्ट के थ्रू ओपन होंगी और ओपन होकर के कहाँ जाएंगी, निप्पल के थ्रू, ठीक है, जिससे क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा। ओके, तो ये फिर हमने पेशेंट का प्रेजेंटेशन बताया था कि हार्ड फील हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, रेडनेस हो सकती है पेशेंट को, एबनॉर्मल निप्पल हो सकता है, ठीक है, फिर गांठें हो सकती हैं, मिल्क सिक्रीट हो रहा है पेशेंट को जब नहीं होना चाहिए या फिर मिल्क नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है। फिर हमने ये क्या पढ़ा कि जो निप्पल होता है वो किस लेवल पे होता है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, मिडक्लेविकुलर लाइन पर होता है, और जो ब्रेस्ट होता है वो लेटरल कहाँ तक जाता है, मिड एक्सिलरी लाइन तक, ठीक है। फिर इसके साथ में, ब्रेस्ट के साथ में एक टेल होती है जिस टेल को क्या कहते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ओके अच्छा, जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा बेसिकली क्या होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है मसल के ऊपर, और इसको क्या कहते हैं, एक लिगामेंट से सपोर्ट करता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। ओल्ड एज में क्या होता है, ये वीक हो जाता है, इसीलिए इनका जो सपोर्ट होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक। ओके, फिर हमने बताया था माइक्रो एनाटॉमी में कि बहुत सारे छोटे छोटे एसाइनस मिलकर के लोब्यूल्स बनाते हैं, फिर वो लोब्स बनाते हैं, फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट से ओपन होती है और लैक्टिफेरस डक्ट से ओपन होकर के वो कहाँ जाती है, निप्पल तक आ जाती है, ठीक है। फिर लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इसके लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, तो लिम्फ नोड्स होते हैं सिप्ला। ओके फाइन, तो अब आ जाते हैं।